शिलाई में गरीब किसानों पर तूफान से खूब कहर नजर आ रहा है। पहाड़ी क्षेत्र के किसानों का कहना है कि आंधी तूफान के साथ हुई बारिश से गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा है। इन दिनों गेहूं की फसल पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। तेज तूफान और बारिश से किसानों को चिंता का विषय बना हुआ है। किसानों के पूरे साल की मेहनत मिट्टी में मिलती नजर आ रही है। शिलाई में गरीब किसानों पर तूफान से खूब कहर बरस रहा है। पहाड़ी क्षेत्र के किसानों का कहना है कि आंधी तूफान के साथ हुई बारिश से गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा है। इन दिनों क्षेत्र के किसानों ने गेहूं तैयार हो चुकी है। तेज तूफान और बारिश से किसानों को चिंता का विषय बना हुआ है। किसानों के पूरे साल की मेहनत मिट्टी में मिलते हुए नजर आ रही है। किसान गेहूं की फसल से अपना गुजर बसर करते हैं। किसानों का कहना है कि पिछले वर्ष लगभग क्षेत्र में गेहूं की फसल सही नहीं हो पाई थी, पर इस बार समय समय पर बारिश मिलने से गेहूं की फसल अच्छी नजर आ रही थी। बीती रात के तूफान से गेहूं नीचे झुकती हुई नजर आ रही है, जिससे खराब होने का खतरा ज्यादा होता है। कल जो हवा चली ना, तेज हवा, उससे गेहूं की फसल बर्बाद हो गई, जो उसमें हमारे आधे भी निकलेंगे वो बिल्कुल खत्म हो गए फसल, उसमें कुछ नहीं पड़ेगा। चलो वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद।